वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट करेंगे। कई बच्चों के लिए ये एक्सरसाइज थोड़ी टफ होती है, इससे पहले वाली एक्सरसाइज इजी होती है, बट ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप इसकी रिवीजन करते हैं, आपको फॉर्मूले लर्न है, तो ये एक्सरसाइज भी बहुत ही आसान है। इसके लिए इससे पहले जितने भी आपको फॉर्मूले हैं सारे लर्न होने चाहिए, इनकी बार बार रिवीजन करेंगे, और किस तरह से हम इनको टैकल करेंगे प्रॉब्लम्स को, इसके लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड स्टार्टिंग में वो साइड लेंगे जिसमें ज्यादा ड्रम है। देखो राइट हैंड साइड में कम ड्रम है, लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादा ड्रम है, यानी कि मैक्सिमम हम लेफ्ट हैंड साइड ही लेते हैं और उसको हम साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं। किसमें कन्वर्ट करते हैं? मैक्सिमम बोला मैंने साइन और कॉस में। कहीं कोई सी आइडेंटिटी लगानी पड़ती है, कहीं किसी जगह कोई सी आइडेंटिटी लगानी पड़ती है, कभी कभी हमें राइट हैंड साइड को भी देख के चलना पड़ता है कि क्या यूज करें हम। मैक्सिमम टाइम्स हमें क्या करना पड़ता है? साइन और कोस में चेंज करना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड ली है मैंने, अब मैंने बोला आपके पास दूसरा तरीका ये है, आप इसको पूरे को लेफ्ट हैंड साइड को 10 में चेंज कर लें। 10 है वो तो 10 रहने दें, और कोट को किस में चेंज कर लें? 10 में। कोट किसके इक्वल होता है? 1/10 के, ठीक है। बट हम इसको मैं आपको साइन और कोस के पॉइंट ऑफ व्यू से करवाऊंगा। लेफ्ट हैंड साइड ले स्टार्टिंग में, उसको कंप्लीटली पूरा का पूरा किस में चेंज कर लो? साइन और कोस में। देखिए 10 को मैं बना रहा हूं साइन बाई कोस, आपको पता है टेन थीटा पता होना चाहिए साइन और कोस में क्या होता है। पहली एक्सरसाइज में आ जाता है 8.1 में 10 साइन बाई कोस होता है, ठीक है। और कोट क्या होता है? 1 cos थीटा बाई साइन थीटा, कोट cos थीटा बाई साइन थीटा, 1-10 साइन थीटा बाई cos थीटा। हमने सिर्फ कुछ नहीं किया, हमने नॉर्मली हमने कोट चेंज किया है, पूरे एक्सप्रेशन को साइन और कोस में चेंज कर दिया और कुछ नहीं किया, ठीक है। साइन थीटा बाई cos थीटा, अब एलसीएम ले रहे हैं हम, 1-, ध्यान से देखें, cos थीटा बाई साइन थीटा, जैसे 1-3/4 करते हैं जनरली वैसे ही है, तो एलसीएम कितना आ गया? साइन थीटा। तो इसके नीचे 1 समझ सकते हैं, 1 से साइन थीटा को डिवाइड करेंगे, साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा आ गया हमारा, माइनस साइन से साइन कटा 1 साइन थीटा माइनस cos थीटा, cos थीटा बाई साइन थीटा है, एलसीएम क्या आ गया हमारा? कॉस थीटा। इसके नीचे 1 समझ सकते हैं, इट मींस 1 से कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे, कॉस थीटा इनटू 1 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अभी तक हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ हम सिंप्लीफाई करते चल रहे हैं, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं? साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये रेसिप्रोकल होगा तो क्या हो जाएगा? ऊपर साइन थीटा आ जाएगा, और ये हो गया साइन थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। ये हमारा cos थीटा बाई साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? cos थीटा माइनस साइन थीटा, ओके, एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट देखें, साइन को साइन से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा? साइन स्क्वेयर थीटा, ये क्या होगा? साइन स्क्वेयर cos थीटा, इसे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई मत करें, एज इट इज रखें, cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा, cos को cos से मल्टीप्लाई करेंगे, cos स्क्वायर थीटा sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा। अब ध्यान दें, अब हमें एलसीएम लेना है, cos थीटा sin थीटा में कुछ कॉमन नहीं है, दो टर्म ये आ गई, ये भी बिल्कुल अलग अलग है, तो चार टर्म आएंगी हमारी एलसीएम लेंगे तो इन दोनों टर्म को हम सेम बना लेते हैं। यहां से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, देखें इधर कैसे, sin स्क्वायर थीटा cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा, यहां से हमने माइनस कॉमन लिया माइनस 1, तो क्या बचा अंदर? साइन थीटा प्लस का हो गया, और जो प्लस का है वो किसका हो गया? माइनस का, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा
cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा। अब देखो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, जैसे मान लो 3 प्लस 4 बाई माइनस 6 है तो आप कैसे लिख सकते हो, 3 माइनस 4 बाई 6 लिख सकते हो ना, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो cos के थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा। देखो वही आ गया ना, हमने इसलिए किया है क्योंकि जब एलसीएम लें तो दो लिखने की बजाय एक ही लिखा जाए, sin थीटा माइनस cos थीटा। अब एलसीएम लें, एलसीएम क्या आ गया, cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा, क्लियर है। अब डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, cos से cos कट गया, sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा कट गया, क्या बचा sin थीटा, sin थीटा को sin की स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से देखें भाई, इसका मतलब है पूरी पावर टू पूरे की, कितनी पावर हो गई, तीन पावर हो गई। और sin थीटा की क्यूब का मतलब है sin क्यूब थीटा, चाहे पावर कुछ भी हो, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की कोई भी पावर हो तो यहां पे आ जाती है, एंगल पे फर्क नहीं पड़ता, एंगल वही रहता है। तो क्या हो गया, sin क्यूब थीटा माइनस, ये इससे कैंसिल हो गया, sin से कैंसिल हो गया, बचा cos, cos को cos के से किया तो क्या हो गया, cos क्यूब थीटा, ठीक है। अब हम आइडेंटिटी लगाएंगे a क्यूब माइनस b क्यूब, इसका मतलब है sin थीटा की होल क्यूब, आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं हम उसमें, a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी, समझ आ रहा है, ध्यान से देखें, इसको मैं रब कर देता हूं। तो हमने आइडेंटिटी यूज की, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो कैसे लिखेंगे, ए माइनस बी, ठीक है, ए मेरा क्या है साइन थीटा, बी क्या है कॉस थीटा, ए की स्क्वायर, ए साइन थीटा है, साइन थीटा की स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए इंटू बी, ध्यान रखें ए हमारा साइन थीटा है और कोस क्या है, बी, बी कोस थीटा है, तो नीचे है कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, कैंसिल हो गया भाई, तो क्या बचा, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, वन होता है, क्या है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा, ओके। इसको डिकम्पोज कर लो, अलग अलग लिख लो, वन से भी डिवाइड हो जाएगा ये, वन बाई cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाई cos थीटा साइन थीटा, जनरली जैसे हम मैथ उसमें करते हैं सिंपल कैलकुलेशन में, 3 प्लस 4 बाई 7, 3 5 से भी डिवाइड हो जाएगा और 4 5 से डिवाइड हो जाएगा, अलग अलग लिख दिया, तो हमने भी इसको ऐसे ही डिकम्पोजिशन बोलते हैं इसको। तो ये तो हमारा कितना बचा, ये कैंसिल हो गया, cos से cos कैंसिल हो गया, 1 बाई cos, किसका रेसिप्रोकल होता है cos sec का, और 1 बाई sin, sin का क्या होता है cosec, इसलिए पता होना चाहिए 1 बाई sin क्या होता है, पहली एक्सरसाइज में आ जाता है 8.1 में, ठीक है। और प्लस 1 कौन सी साइड है, ये राइट हैंड साइड, this implies left hand is equal to right hand side, सिर्फ हमने क्या किया है, सिर्फ एक sin square theta plus cos square theta इस identity का use किए हैं, सिर्फ एक tan theta sin by cos लिखा है, cot को cos by sin लिखा है, और 1 by cos sec लिखा है, 1 by sin cosec लिखा है, और कुछ नहीं किया हमने, ठीक है, एक identity a cube minus b cube का use किया है, ठीक है, ओके।